हजरत मोहतरम, अब इंतजार की घड़ियां खत्म, अब हम अपने मेहमान मुकर्रम से गुजारिश करते हैं और उस खतीब बेमिसाल वाइज़े बाकमाल से गुजारिश करते हैं जो एक तरफ मजलूमों की आवाज बनकर खड़ा हुआ नजर आता है तो दूसरी तरफ यतीमों और बेसहारा लोगों का सहारा बनकर खड़ा हुआ नजर आता है। मोहतरम सामीन, मैं अपनी आवाज में अगर यूं कहूं कि उसकी सिफात में से नुमाया एक सिफत ये है कि वो बातिल की आंखों में आंखें डालकर बात करने का आदी है। गुजारिश कर रहा हूं फखरे बिजनौर हजरत मौलाना अनवारुल हक सादिक साहिब, कौमी कारगुजार सदर हुकूक इंसानी काउंसिल, जिसको दूसरे लफ्जों में विश्व मानव अधिकार कहा जाता है, उसके कौमी कारगुजार सदर हैं। हजरत वाला तशरीफ लाएं, मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा, मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा, मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता, तला तुम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को, अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। हजरत मौलाना माई दोनों ही लगा दो, दोनों ही लगा दो, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। वाशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العلي العظيم। महशर में कुछ नजात का सामान भी तो हो, महशर में कुछ नजात का सामान भी तो हो। एक बच्चा अपना हाफिज़े कुरान भी तो हो,
महशर में कुछ नजात का सामान भी तो हो। एक बच्चा अपना हाफिज़े कुरान भी तो हो। कर सकते हैं जमाने पे हुकूमत तो आज भी, ईमान की तरह मगर हमारा ईमान भी तो हो। और आज ऊंची ऊंची जो ये हस्तियां चमकती हैं, आज ऊंची ऊंची जो ये हस्तियां चमकती हैं, फैज है मदारिस का जो टोपियां चमकती हैं, आज ऊंची ऊंची जो ये हस्तियां चमकती हैं, ये फैज है मदारिस का जो टोपियां चमकती हैं। और इनको क्या समझते हो, ये नबी के वारिस हैं। इनको क्या समझते हो, ये नबी के वारिस हैं। इनके दम से तो ही ये बस्तियां चमकती हैं। सदरे मोहतरम, नमूना इस्लाम, वली कामिल, आरिफ बिल्ला, लायक सद एहतराम हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, खलीफा ए अजल हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे इलाके की नहीं ज़िले की बहुत मारूफ और मशहूर और मकबूल शख्सियत है, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। जब यहाँ पर दुआ हो जाए तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि कम से कम हजरत से मुसाफहा करें, ऐसे बुजुर्गों से मिलना, उनसे दुआ की दरख्वास्त करना, उनसे मुसाफा करना। पता नहीं कल हश्र के मैदान में यही मोहब्बत और यही अकीदत मगफिरत का जरिया बन जाए। बहुत कम बुजुर्ग ऐसे बचे हैं जो सादगी के साथ, जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए चलना फिरना, जागना उठना बिछोना अपना करते हैं आज के वक्त में। उन्हीं में से हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहब एक शख्सियत है। बहुत सादा दिल, सादा लोग इंसान है। तो आप हजरात की बस्ती में आज तशरीफ लेकर के आए हैं तो करेंगे ना इंशाल्लाह। आप सब हजरात अपने लिए भी दुआ के लिए कहें, अपने आबा और अजदाद के लिए भी, अपने अहले खाना के लिए भी। अब वो तभी हो सकता है तब के आप बात तक रुकें। ये इनकी तरह ना हो जो खड़े वाले हो, कोई अच्छी आवाज वाला आ गया, वीडियो बनाई फिर वापस चले गए, बच्चों का मुकालमा आया थोड़ी सी देर रुके और उसके बाद चले गए, जैसे कि एक मिजाज हुआ करता है जो कि हमारे इलाके का मिजाज है, जबकि वो नऊज बिल्ला वो मिजाज में और इस मिजाज में बहुत फर्क होना चाहिए। कोई डीजे पर अच्छा गाना लग गया तो मोबाइल लेकर के आए, वीडियो बनाई, डांस मास किया, मोबाइल में वीडियो शूट किया, और कोई वैसा गाना आ गया तो चलो भैया, समझ रहा है, अपनी मर्जी का गाना, अपनी मर्जी की डांसर और अपनी मर्जी का स्टेज लगा तो भाई ठीक है, कुछ देर खड़े होकर के अपना तमाशा देख लिया और जब थोड़ा सा दिल उकता गया तो फिर अपना गली कूचों में निकल गए। तो भाई ये तो दीन की महफिल है, यहाँ पर अदब के बाद ही आपको कुछ मिल सकता है। तुम अगर ये चाहो कि तुम बात करो सवाब मिल जाए, तुम ये चाहो कि चलते फिरते कुरान सुन ले बेअदबी के साथ तुम्हें सवाब मिल जाए, तुम ये गुमान करो कि हम उलमा से दिलों के अंदर मोहब्बत ना करें,
तुम ये गुमान करो कि हमारा काम बस चलते फिरते बात करते हुए बीड़ी सिगरेट और पान गुटखा मसाला खाते हुए ऐसे ही हो जाएगा। तुम ये गुमान करो कि हम बिस्तर भी ना छोड़ें, तुम ये गुमान करो कि हम दुकान ना छोड़ें और हम सड़क पर खड़े होकर के इसी तरीके से दीन की बातों को बेतवज्जही के साथ सुनते रहें, कोई फायदा हासिल हो जाएगा? नहीं भाई, इससे बेहतर है जाकर के सो जाओ, इससे बेहतर है जाकर के सो जाओ, आराम करो, सोना भी इबादत है। यहाँ पर आए हो इस नीयत के साथ बैठो कि या अल्लाह जो हमारी समझ में आए उस पर अमल की तौफीक देना, और सिर्फ तेरी रजा के लिए यहाँ बैठे हैं, हमारे बैठने को, हमारे कहने को, हमारे सुनने को कबूल फरमा लेना, तो इंशाल्लाह ये बैठना हमारा कारामद होगा। समझ में आई भाई बात? हम रोज जो रात काली कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, हम भी इसीलिए आए हैं, महज क्या पता अल्लाह ताला कोई बात ऐसी कहलवा दे जो हमारे लिए भी आपके लिए भी निजात का जरिया बन जाए। खैर, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके मदरसे के नाज़िम आला, बहुत मुखलिस और बहुत ही ज़्यादा मेहनती शख्स हैं माशाल्लाह, क़ारी मोहम्मद तहसीन साहब, जो कि बहुत तजर्बाकार इंसान हैं और कुरान करीम के मामले में बहुत माहिर क़ारी हैं, खुसूसन बच्चों को हिफ्ज कराने के मामले में वो भी, और अराकीन मदरसा पूरी बस्ती के लोग यकीनी तौर पर मुबारकबाद हैं। आज आपके मदरसे से 6 बच्चों ने हिफ्ज मुकम्मल किया है माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। ये 6 बच्चे बैठे हुए हैं, इनके माँ बाप का हिफ्ज कराने का मकसद दौलत नहीं है, ये दौलत है भाई, इनके वालिदैन का हिफ्ज कराने का मकसद इज्जत नहीं है, इनका हिफ्ज कराने का मकसद शानो शौकत नहीं है, इनका हिफ्ज कराने का मकसद दौलत का अंबार लगाना, नौकरी या जमीन जायदाद, इज्जत शोहरत तरक्की घर, ये नहीं है। क्योंकि अगर इंजीनियर बनाते हैं तो नियत करते बच्चा पैसे कमाएगा, नक्शे बनाएगा या अलग अलग विभाग में जाएगा तो पैसे आएंगे। अगर ये अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते तो आप सोच सकते थे कि पैसा कमाना नियत है। अगर हिंदुस्तान के अलग अलग महकमे की तैयारी कराते तो आप गुमान करते कि मकसद पैसा है, मकसद तिजारत है, मकसद दौलत है। लेकिन जिसने अपने बच्चे को हिफ्ज करा दिया, अगर आप मुफ्ती बना रहे हैं तो भी एक वक्त के लिए 1% सोच सकते हैं, लेकिन हाफिज में तो बेचारे में कुछ नहीं है। अगर हिफ्ज करा रहा है कोई माँ बाप अपने आज के इस दौर में, तो उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनूदी और आखरत के अंदर सरबुलंदी और सुरखरुई है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। क्योंकि इनको तो दुनिया हकारत की निगाह से देखती है भाई, इसमें क्या तरक्की होगी आज के दौर में? दुनिया इनको हकारत की निगाह से देखती है, दुनिया इनको पिछड़ा हुआ समझती है, दुनिया समझती है कि ये करेंगे क्या, कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रहेंगे कैसे, घर कैसे बनाएंगे, शादियां कैसे करेंगे, ये गुमान करती है। लेकिन वल्लाह ऐसा नहीं है, अल्लाह ने इनका मकाम, इनका मर्तबा बहुत बुलंद रखा, बहुत बुलंद रखा है। जो लोग इस गलत फहमी में हो कि हिफ्ज कराना वक्त का जाय करना है, कुरान का पढ़ाना बच्चों की तरक्की का रोकना है, कुरान का पढ़ाना आगे जो तालीमात दूसरी दिलवाने वाले हैं उनके रास्ते में रुकावट है, बच्चे को दीनिया सिखाना दुनिया की तरक्की से रोकना है, टोपी सर पर लगाना दुनिया की तरक्की से रोकना है,
कुर्ता पजामा पहनाना या फिर दाढ़ी का रखना या कुरान का पढ़ना, कुरान का सुनना, कुरान का चूमना, कुरान का हिफ्ज करना, कुरान को दिल के अंदर उतारना, कुरान को जुबान पर तरोताजा करना, कुरान की तिलावत करना, कुरान के साथ सोना, कुरान के साथ उठना, कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना, अगर आज के वक्त में ये हिमाकत है, अगर आज के वक्त में ये लोग गिरा हुआ समझते हैं तो नाउज़ बिल्ला उनके अंदर ईमान नहीं है, वो अपने ईमान की हिफाजत करे। अल्लाह की कसम जो लोग इन बच्चों के ऊपर, जो हुफाज पर, जो कुर्रा पर, जो मदारिस पर, जो दाढ़ियों वालों पर, जो टोपियों वालों पर, जो मदारिस के अंदर काम करने वालों पर हंसते हैं, जो तंज करते हैं, जो गिरा हुआ समझते हैं, ये बच्चे जो आज हिफ्ज मुकम्मल करके बैठे हैं, कल जब अल्लाह इनसे कहेगा कि आओ और बताओ किस किसकी सिफारिश करनी है, बताओ कितने लोगों को माफ करूं, ये जब सिफारिश करने पर आएंगे अल्लाह कहेगा ऐसे लोगों की सिफारिश मत करना जो तुम्हारा मजाक बनाते थे, ऐसे लोगों की सिफारिश मत करना जो तुम्हें गिरा हुआ समझते थे, ऐसे लोगों की सिफारिश मत करना जो तुम्हें देखकर दुनिया का जलील और गिरा हुआ इंसान समझते थे। तुम अगर सिफारिश करोगे, मैं सिफारिश कबूल नहीं करूंगा, मरने दो दोज़ख के अंदर ऐसे शख्स को, चाहे वो इनके खानदान का हो, रिश्तेदार हो, या इनके खून के रिश्ते का क्यों ना हो। हंसो, किसे किसे हंसना है इन हुफाज पर, इन कुर्रा पर। अरे कुछ नहीं कर सकते तो हंसो मत, गिरी हुई निगाह से मत देखो। कुछ भी ना कर सको तो कम से कम अगर कोई रिश्तेदारी में, कोई खानदान में हाफिज है, कल बुरे वक्त में हश्र के मैदान में सिफारिश के लिए काम आ जाए, जो के वहां पर कोई पुरसान हाल ना होगा। समझ में आई नहीं भाई बात? कोई पुरसान हाल ना होगा। तो इनकी कदर करो आज के इस पुरफितन दौर में। वो मेरी माँ जिसने अपने बच्चे को हाफिज बनाया, वो बाप जिसने अपना माल और दौलत का कीमती सरमाया अपने बच्चे के लिए सर्फ किया और हाफिज कुरान बनाया, वो बहुत खुश नसीब है और काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी तरक्की से नवाजे और आखरत में भी तरक्की से नवाजे। आखरत में तो सबको मालूम है कि जो हाफिज कुरान होगा उसको एक ऐसा नूर का ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी से आंखें भी चकोचौंध हो जाएंगी। किसको? हाफिज कुरान के वालिदैन को पहनाया जाएगा। समझ रहे हैं भाई? तो इसलिए हमें चाहिए कि आज हम अपने बच्चों को मदारिस से जोड़ने का काम करें। सबसे पहले बचपन में उसको दीनी तालीम दिलाए। दूसरी तालीम दिलाने से ना हम रोकते हैं ना हम मना करते हैं। एक मिसाल दिए देता हूं आपको। सफेद कागज पर आपने कुछ लिख दिया, उसके बाद उसको मिटाने की कोशिश करें। मिटाने की कोशिश करें तो या तो उस कागज पर निशान आ जाएगा या वहां से कागज फट जाएगा। है नहीं भाई बात सच्ची? अगर आप कागज पर कुछ लिख दें, पेंसिल से ही लिख दें और उसके बाद रबड़ से हम लोग मिटाते हैं, साफ करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है देखा है ना हमने, वह निशान बाकी रह जाता है। ऐसे ही बचपन एक ऐसी चीज है कि उसके ऊपर जो नक्श कर दिया आपने, जिसको बचपन में गाली देने की आदत पड़ जाती है ना, वो बड़े होके भी देता है नहीं भाई? जिसको बचपन में गाली देने की आदत पड़ गई तो बड़े होके भी देता है, जिसको चोरी करने की आदत पड़ गई बड़ा होके भी देता है। देखा है ना, जिसको बड़ों की बेदबी करने की आदत हम लोगों ने बचपन में 10 11 12 साल तक डाल दी, वो बड़े होकर भी अदब नहीं करता।
तो बचपन एक ऐसी चीज है कि अगर आपने इसके दिलो दिमाग पर नक्श कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको बता दिया कि नहीं अल्लाह एक है, वही सब कुछ करने वाला है, वही खिलाता पिलाता है, वही मारता है, वही जिलाता है, वही रोजी रोटी का मालिक है और उसी के हाथ में हमारा मुकद्दर है, उसके अलावा कोई नहीं, उसने न जाने कितने इंसान बनाए, अलग अलग चेहरे बनाए, अलग अलग आंखें बनाई, अलग अलग बालों के साइज बनाए, अलग अलग दिल बनाए, अलग अलग हाथ और पैर बनाए, अलग अलग इंसानों के मुजस्मे बनाए, कभी उसको धोखा नहीं लगा। वो अल्लाह वो है, उसको बताओ बचपन में कि जो आज तक इसके पास मशीनरी में कोई चीज खत्म नहीं हुई, इंसान खत्म नहीं हुए, जानवरों का पैदावार होना बंद नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि इंसान के हाथ में जानवर का हाथ लगा हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ इंसान की आंख में भैंस की आंख उसने लगा दी हो, ऐसा नहीं हुआ इंसान के पैर में गधे का पैर लगा करके उसने पैदा कर दिया हो। वो अल्लाह ना भूलता है, ना धोखा खाता है, ना गाफिल होता है। वो अल्लाह जिसके पास इतने दिल हैं, जाने कितने करोड़ों लोग आए आकर चले गए, अरबों आए आ रहे हैं आते रहेंगे, ना दिल खत्म हुए, ना आंखें खत्म हुई, ना पानी खत्म हुआ, ना खाना खत्म हुआ, ना पीना खत्म हुआ, ना और दुनिया की अशियाएं खत्म हुई। वही तुम्हारा मालिक है बच्चों, वही तुम्हारा खालिक है, उसी के सामने झुकना, उसी को सब कुछ मानना, उसके अलावा दुनिया में कोई मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं है। अल्लाह के बाद नबी की पहचान बताओ, नबी के बारे में बताओ, नबी ने क्या क्या परेशानियां उठाई हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके बारे में बताओ, सहाबा के बारे में बताओ, लेकिन उसको बचपन में ही इस्लाम से वाबस्ता करो। अगर आप सोचे कि हम उसको दसवीं के बाद सिखाएंगे, आप ये गुमान करो कि हम लोग पहले उसको दुनियादार बना दे, पहले उसको इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, दीगर डिग्रियां दिलवाए, उसके बाद में हम लोग देख लेंगे जैसा होगा, वक्त मिलेगा कुरान पढ़ा देंगे, वक्त मिलेगा नमाज सिखा देंगे। आइए दोस्तों, अगर आप ये गुमान करते हैं फिर छोड़ दीजिए, ये तो अल्लाह के करम की बात है, कोई लाइन पर आ जाए, कोई बुढ़ापे में सीख जाए, लेकिन आज वो माहौल है जिसको हम देख रहे हैं, जमाना बड़ी तबाही की तरफ बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। हमारे बच्चों के ईमान पर, हमारे कुरान पर, हमारी सुन्नत पर, हमारी टोपियों पर, हमारी दाढ़ियों पर, हमारे सीनों पर, हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, हमारे घरों पर, हमारी मस्जिदों पर, हमारे मीनारों पर, हमारे अल्लाह अकबर पर, हमारी कुरान की तिलावत पर, हमारी कुरान की सदाओं पर, हमारे बुरखों पर, हमारे हिजाब पर, हमारे उठने बैठने पर, हमारे खाने पीने पर, हमारे फ्रिज के अंदर क्या है उसके सामान पर, हर चीज पर ताका झांकी का दौर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। हमारी बच्चियां ईमान से मुर्तद हो रही है, कुफर के अंदर जमात दर जमात हर साल लाखों की तादाद में शामिल हो रही है। सच्चाई आपके सामने है, सब कुछ वजाहत के साथ, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आंखें ना खोली, इन आंखों से पर्दे को ना हटाया, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं, आज लाखों की तादाद में एक साल में इस्लाम को छोड़ने वाली पैदा हो रही है। कल वक्त आएगा, तुम ना अपना बेटी को रोक सकते हो, न बीवी को रोक सकते हो, न बहन को रोक सकते हो, न पड़ोसन को रोक सकते हो, डंडे की चोट पर और तौल ताल पे ताल ठोक कर सरेआम इस्लाम को, कुरान को, नबी की सुन्नत को, नबी की मोहब्बत को, नबी की अजमत को, सहाबा की मोहब्बत को पैरों की जूती पर लात मार करके तुम्हारे सामने इस्लाम से बगावत करके गैर इस्लाम गैर मजहब के अंदर दाखिल होकर रहेगी, देख ले। आज ही मेरे पास असर के और मगरिब के बीच में एक वीडियो मैंने देखी, मेरे एक मोतबर साथी जिम्मेदार ने भेजा, मेरे मोबाइल में अभी भी मौजूद है। देखने के बाद ये समझिए कलेजा फट गया, आंखों के अंदर आंसू आ गए कि अल्लाह अल्लाह ये दौर भी देखना बाकी था। इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर मैं अपने उलमा को असल बताना चाहता हूँ कि देखिए ये दौर आ चुका है। हम खामोश रहे, हम अगर मसलियात पसंद रहे,
तो देखिए आगे क्या क्या होता है। वो वीडियो देखिएगा। एक कोर्ट के अंदर एक बच्ची को पेश किया गया। एक कोर्ट के अंदर एक बच्ची को पेश किया गया, क्योंकि जब कोई फरार हो जाता है तो मुकदमा दर्ज किया जाता है, मालूम होगा आपको भी। उसके बाद वो महकमे की जिम्मेदारी बनती है कि उसको बरामद करे और उसके बयानात कराए, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुसार उसका पालन करना पड़ता है भाई। मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, अदालत में पेश किया गया। पेश करने के लिए जब लेकर गए, वालिदैन ने मन्नत समाजत की, हाथ पैर जोड़े, नहीं माना। उसके बाद अदालत में पेश होने के बाद माँ ने बड़ी कोशिशें की, गिड़गिड़ाती रही, अपने बुरके का दुपट्टा फैलाकर भीख मांगती रही, मेरी बेटी मैंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, मैं खुद सूखे में सोई, गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया। लेकिन आज नबी की इज्जत पर और इस्लाम पर लात मार कर मच्छा रुक जा। उसके अहले खाना के साथ वकला बदतमीजी कर रहे थे, धक्के दे रहे थे, लेकिन ये भी इस हिंदुस्तान की सरजमी पर इन आंखों ने देखा है। उस लड़की ने, उसके साथ वालों ने उसकी माँ को धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई। लड़की फोर व्हीलर में बैठ करके चलती बनी और उसके सामने उसकी माँ के जिस्म से रूह परवास कर गई। वहीं पर उसकी वालदा अल्लाह से जा मिली। वो पड़ी रही, बेटी ने एक बार पलट कर नहीं देखा, अपनी माँ को उठा लो। अरे जब तू रोती थी माँ का कलेजा फट जाता था। वो बाप जब तू बीमार हुई, अपनी इज्जत, अपनी दौलत, अपनी शोहरत सब कुछ दांव पर रखकर इन बच्चों के लिए डॉक्टरों में अगर ब्याज लेना पड़ा लिया हम लोग, इन बच्चों के लिए अगर जमीन बेचनी पड़ी बेची, इन बच्चों के लिए अगर कुछ भी दांव पर लगाना पड़ा एक माँ को, इस हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितने वाकियात हैं। अगर एक माँ को अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए इज्जत का सौदा करना पड़ा तो उसने कर दिया है, जायज नहीं है। लेकिन ये मैंने खुद ने पढ़े हैं, आज मैंने इन आंखों से देखा, आंखें भराई खुदा की कसम। एक माँ जो लिपट कर उससे अपील कर रही थी कि रुक जा, लेकिन वो बेटी बात नहीं मानी और उसकी माँ नीचे गिर गई और अल्लाह के यहाँ अपने अल्लाह से जा मिली। क्या गुजरी होगी उस माँ के दिल पर। आप लोग भी तो सोचें, हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी है। अगर हम इनको दीन से जोड़े रखेंगे, इनके बताएंगे इस्लाम क्या है, बताएंगे ईमान की ताकत क्या है, तो ही इनको पता चलेगा भाई। नहीं बताएंगे तो नहीं पता चलेगा। ये लड़के हों या लड़कियां हों, ऐसे ही धक्के मार कर निकल जाएंगे, जरा से भी परवाह नहीं करेंगे, बाद में रोते रहना। मैं बता दूं आपको, हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी रहमतुल्लाह, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, इस दुनिया के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मशहूर और मारूफ आलिम गुजरे हैं, जिन्होंने मारूफुल कुरान आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कुछ ने पढ़ा भी होगा, अक्सर मसाजिद में, मदारिस में माशाल्लाह मौजूद रहता है। बहुत सारी किताबें लिखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत को करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमाए और हजरत के दरजात को बुलंद फरमाए। बहुत काम किया है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने।
खैर उनके मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी, खैर गुस्ताखी की माँ मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी के साहिबजादे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जिंदा हैं, मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया तो नाम में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह उनके करीबी ताल्लुकदार थे, उनसे अकीदत भी रखते थे। वो आए कि हजरत आप ऐसे ऐसे घर तशरीफ लेकर के आइएगा, आपकी दावत है। हजरत ने पूछा भाई क्या हुआ, जवाब दिया कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे ने इंजीनियर की डिग्री और बीबी अलग अलग तरीके से कई सारी डिग्रियां हासिल की हैं और अपने यूनिवर्सिटी के अंदर अव्वल मकाम हासिल किया है, आप तशरीफ लेके आए और बच्चों के सर पे हाथ रख देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो हजरत ने उनसे सवाल किया कि भाई एक बात बताओ, आपने इंजीनियर बना दिया कि जी बना दिया, आपने दुनिया की आला तालीम दिला दी कि दिला दी, आपने बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम दिला करके उसको फर्स्ट पोजीशन से पास करा दिया कि जी करा दिया, लेकिन ये बताओ कि दीनदारी का क्या हाल है। क्या पूछा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी ने, क्या पूछा भाई हिंदूपुर वालों बताओ, क्या पूछा कि दीनदारी का क्या हाल है, कुरान पढ़ाया नहीं पढ़ाया, दीन के बारे में कुछ सिखाया नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि बस हजरत थोड़ी सी कमी रह गई है कि बस थोड़ा सा बेदीन हो गया। क्या बोला, बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ा सा बेदीन हो गया। अब वक्त गुजरता चला गया, कुछ दिनों के बाद वो शख्स फिर हजरत के पास आया कि हजरत बहुत जल्द घर लेकर के चले। पूछा क्या बात है कि बस हजरत चले, परेशानी है। हजरत चले गए, जाकर के दिखाया कि हजरत ये वही बेटा है, जरा देखिए बोल नहीं रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे जज्बात मेरे अरमान इसके साथ जुड़े हुए हैं। हजरत ने हाथ देखा, हजरत ने आंख की पुतलियों को देखा, हजरत ने मुंह खोल करके देखा, पूरे जिस्म को देखने के बाद बोले कि भाई आंख भी सही है, जुबान भी सही है, मुंह भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, जिस्म के तमाम आजा भी ठीक हैं, बस थोड़ी सी रूह निकल गई है। क्या, थोड़ी सी रूह निकल गई है, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी हाथ अपनी जगह लगे हुए, पैर अपनी जगह है, दांत अपनी जगह है, आंख अपनी जगह है, जिस्म के और आजा भी अपनी जगह है, बस थोड़ी सी रूह निकल गई है। यही हाल हमारा है, हमारे पास दौलत भी है, दुकान भी है, मकान भी है, बच्चे के लिए शादी करने के लिए बैंक बैलेंस भी है, सजावट के लिए है, डीजे के लिए है, उसकी पढ़ाई पर खर्च करने के लिए है, और उसके पास उसके लिए खेल खिलौने, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर, अच्छे कपड़े और हर चीज जो उसने जुबान खोली वो है, लेकिन बेदीन है। अगर सब कुछ है और बेदीन है तो जीरो बटा जीरो, जीरो बटा जीरो है। अरे ये कामयाबी नहीं है, आपने अच्छा कारोबार बेटे को करा दिया, अगर ये कामयाबी समझते हो, अगर आपने अच्छी तालीम दिला दी, अच्छा काम करा दिया, दुकान करा दी, अच्छी शादी करा दी, पढ़ाया लिखाया, जवान हुआ, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, अगर आपने ये कर दिया कि शादी अच्छी करना कामयाबी है। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी करते हैं, करते हैं या नहीं करते भाई, अरे मंगनी तुम भी करते हो, मंगनी वो भी करते हैं, डीजे तुम बजाते हो वो भी बजाते हैं,
कुछ तो वो भी नहीं बजाते, तुम बारात चढ़ाते हो वो नहीं चढ़ाते बहुत सारे मकामात पर, शराब पिलाते हैं शादियों में, भाई उनके यहाँ भी मामूल है, तो भाई तालीम पर तुम भी खर्च करते हो वो भी खर्च करते हैं, तुम में और उनमें फर्क क्या, क्या फर्क है भाई? भाई कोई फर्क है नहीं है। अरे बच्चों से प्यार, बच्चों की देखभाल तो जानवर भी करते हैं, तुम कौन सा बड़ा काम करते हो भाई? जानवर भी करते हैं, आप देखिएगा जब बच्चा पैदा होता है चाहे भैंस हो गाय हो कोई सा भी जानवर हो, सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, माँ दूध पिलाती है, ख्याल भी रखती है, अपनी जान की बाजी लगा देती है, लेकिन बच्चों पर आंच नहीं जाने देती, चाहे वो मुर्गी हो वो कुतिया हो वो गाय हो वो भैंस हो वो हिरन हो। हजारों यूट्यूब पर और सोशल मीडिया की दुनिया में माँ से मोहब्बत की वीडियो भरी पड़ी है, जो हमने भी देखी है आपने भी देखी होगी, देखी होगी नहीं भाई, देखी होगी। जानवर भी अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो जानवर भी करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं, तुम भी करते हो, क्या फर्क है तुम में और उसमें? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। फर्क तो तब होता कि उनको तुम दीन से जोड़ते, फर्क तो तब होता कि दीनदार बनाते, फर्क तब होता जब उनको मदारिस में दाखिला कराते, फर्क जब होता जब सर पे टोपियां होती, फर्क जब होता कि जब इन बच्चों के जिस्म पर्दे से ढके हुए होते, फर्क तो तब होता जब हमारे घरों से कुरान की आवाजें आती, फर्क तब होता कि जब एक माँ ने नियत बांधी तो साथ में बेटी ने भी बांध ली, फर्क तो तब होता कि जब बाप नमाज के लिए निकला बेटा भी पीछे पीछे निकल गया, फर्क तो तब होता कि हम कुरान पढ़े हुए हैं हमारा बच्चा भी कुरान पढ़ा हुआ है, हम सुबह को कुरान पढ़ते हैं हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। अरे अगर आज ही आलम है कि माँ की आवाज से ऊंची बेटी की आवाज है, माँ कहती है कि मोबाइल मत चला, कि बाप अपना काम कर लो, थोड़ी देर ही तो चला रही हूं, बैठ जाऊंगी, हर वक्त टाई टाई करती रहती है। याद रखना, जिस घर के अंदर बेटी की आवाज माँ की आवाज से ऊंची हो जाए, कयामत की निशानियों में से ये एक निशानी साबित हो चुकी, पूरी हो चुकी हो, जो हो। माँ की आवाज से बेटी की आवाज तेज हो जाए, ऊंची हो जाए, जो कि हो रही है आज, हो रही है नहीं, हो रही है नहीं, दीन से दूरी की वजह है। मेरा कहने का मकसद ये है कि उनमें और हम में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क पैदा करने चाहते हो ना, तो बचपन से लेकर के जवान होने तक अपने बच्चों को अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। वो दौर और था जब हमारे दादा थे, वो दौर और था जब हम पैदा हुए थे, वहां पर ईमान पर डाका नहीं डाला जाता था भाइयों, वहां पर ईमान को खरीदा नहीं जाता था, वहां पर इस्लाम की बोलियां नहीं लगाई जाती थी, लेकिन इस दौर में ईमान की बोली लगाई जा रही है। बचाओ अपने आप को, अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को बचाओ अल्लाह के वास्ते, वरना इन सफों में वो वक्त आएगा कि मुशरिक और काफिर बनकर के जनाजे उठेंगे, वो वक्त आएगा कि हम गुसल भी देंगे, कफनाएंगे भी, दफनाएंगे भी, मगर एक मुसलमान को नहीं, एक मुशरिक को, वो जो कि अपने ईमान का, इस्लाम का सौदा कर चुका होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हाथ जोड़ते हैं, पैरों में गिर जाते हैं, ये शिर्क है भाई, किसी के पैरों में मत पड़ना। बच्चों को बताओ कि नहीं, पैर नहीं छुआ करते, बच्चों को बताओ कि इस्लाम के अंदर अल्लाह क्या है, अल्लाह की वादानियत क्या है, शिर्क के बारे में क्या क्या है। इन उलमा से मिलो जुलो और उलमा के पास जाओ, खुद भी बैठो और सीखो
अपने घर भी आकर के बताओ। अगर ऐसा नहीं करते आप तो अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते। मेरी सभी लोगों से ये गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों को, चाहे वो 12 साल का हो, 15 साल का हो, 13 साल का हो, कुरान ना पढ़ाया हो या कुरान पढ़ाया हो सही ना पढ़ना आता हो या फिर उसकी अदायगी में गलती हो, इंशाल्लाह आज इस महफिल में अल्लाह की रजा के लिए वादा करके उठे कि इंशाल्लाह हम मदरसा सिद्दीकुल उलूम में कल से ही उस बच्चे का हाथ पकड़ करके ले जाएंगे और कारी तहसीन के हाथ में हाथ देकर कहेंगे इस बच्चे का कुरान अल्लाह के वास्ते सही करा दो। कराएंगे ना इंशाल्लाह कोशिश। और जो हम में से हैं वो भी जाए, वो भी सुनाए अपनी नमाजों को और कुरान के बारे में। मदरसे के अंदर जाने के बाद में मदरसे की जरूरियात को भी देख लिया करें और मदरसे के काम और तकाजों को भी देख लिया करें। आज इस हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ मदारिस इस्लामिया ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से हर चीज की हिफाजत हो रही है। तो मेरी गुजारिश ये है आप सभी हजरात से कि कुरान भी सीखें, कुरान सिखाएं भी, कुरान पढ़ें भी। एक आयत पढ़ी थी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बेशक हम ही ने कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने इन बच्चों को अपना नाम दिया, या जो बड़ा हो बूढ़ा हो जो भी हिफ्ज करता है अल्लाह उसको क्या नाम देते हैं भाई? हाफिज। ये किसका नाम है मालूम है? ये किसका नाम है? ये अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है। हाफिज होता हो हाफिज, और अगर कोई बच्ची पढ़कर के निकली माशाल्लाह तो उसको हाफिजा कहते हैं। एक हदीस पढ़ी थी मैंने, तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, के हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है और इसकी कोई उम्र नहीं होती। उतलबुल इल्म इलल महदी फिल कुबूर, इल्म हासिल करो तुम माँ के पेट से लेकर कब्र में जाने तक। आप अगर बूढ़े हैं तो भी आप इल्म दीन सीखने की, सिखाने की कोशिश करें। ओ हजरत मौलाना मोहम्मद वो कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो के बानी है दारुलूम देवबंद के, एक बार हज के लिए गए, पानी के जहाज से जाया करते थे। किससे भाई? पानी के जहाज से जाया करते थे। तो पानी के जहाज से हज के लिए जा रहे थे, रमजानुल मुबारक जैसे कि अब आ रहा है, रमजानुल मुबारक आ गया, तो ये समझ लीजिए कि हजरत ने कहा कि भाई तरावी कौन पढ़ाएगा? उलमा तो हैं लेकिन उन्होंने हिफ्ज मुकम्मल नहीं किया था, हिफ्ज नहीं किया था। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम थे लेकिन हिफ्ज नहीं किया था। क्या नहीं किया था भाई? हिफ्ज नहीं किया था। अब अरे भाई आलिम भी हैं और इतने सारे मुसलमान हज के लिए जा रहे हैं रमजान में अलम तरह से हो तो ये गैर मुनासिब सी बात है। हजरत तिलावत बहुत ज्यादा किया करते थे। ये हुआ कि हजरत ने कहा कि नहीं भाई अलंतरा से नहीं, कुरान ही होगा, इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा, इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा। अब हजरत रोजमर्रा एक पारा याद करते और शाम को तरावी पढ़ाते, यहां तक के 30 पारे हजरत ने 30 दिन के अंदर मुकम्मल कर दिए। समझ में आए नहीं? 30 दिन के अंदर मुकम्मल कर दिए, कुरान मुकम्मल हो गया। अगर कोई कोशिश करे तो अल्लाह ताला आसान फरमा देता है। खैर अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। वह आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।